नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ऑपरेशन गंगा से संबंधित जानकारी लेकर आए हैं। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत के विदेश मंत्रालय द्वारा चलाया गया एक ऑपरेशन है, जिसके माध्यम से वहाँ पे जो विमानन, जो आंतरिक विमानन है यूक्रेन के अंदर, रसिया के द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण करने की वजह से उसके आंतरिक जो विमानन थे वो बंद हो गए थे, तो भारतीय नागरिक वहाँ पे फंस गए। भारत के साथ साथ कई देश के नागरिक फंसे हुए, लेकिन भारत ने, भारत के विदेश मंत्रालय ने अपने नागरिकों को वहाँ निकालने के लिए एक ऑपरेशन चलाया, जिसका नाम है ऑपरेशन गंगा। तो उसी को समझने का प्रयास करते हैं, एक एक बिंदुओं को समझने का प्रयास करते हैं कि कौन से देशों की सीमा से हम भारतीयों को वहाँ से निकाल पा रहे हैं। यूक्रेन से ऐसे कौन से देश की सीमा लगी हुई है जो सुरक्षित है, ये हम समझने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में। और इसके साथ साथ हम यह भी देखेंगे कि ऑपरेशन गंगा से भी पहले भारत के बाहर विदेशों में कई तरह के संकट आए, और उस संकट के घड़ी में भी भारत हमेशा से अपने नागरिकों को निकालने के लिए इस तरह के ऑपरेशन चलाते रहे हैं। तो वो भी ऑपरेशनों के बारे में थोड़ी बहुत संक्षिप्त जानकारी ले लेंगे, जो आगामी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। ठीक है, तो एक एक बिंदुओं पर बात करते हैं। ऑपरेशन गंगा दरअसल 27 फरवरी 27 फरवरी 2022 को विदेश मंत्रालय ने यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए एक बहुआयामी निकासी योजना चलाई, जिसका नाम है ऑपरेशन गंगा। ठीक, और ये पोलैंड, हंगरी, रोमानिया, स्लोवाक गणराज्य के साथ सीमा पार करने वाली, ये सभी देशों का सीमा यूक्रेन से लगा हुआ है। यूक्रेन का जो पश्चिमी पार्ट है उससे इन देशों का सीमा रेखा लगा हुआ है, और ये सीमा सुरक्षित है। मैं अभी मैप पे समझने का प्रयास करेंगे, हम लोग मैप पे भी इसको समझ लेंगे, करने वाले बिंदुओं के माध्यम से जो इनसे जो सीमा शेयर हो रहा है, उन बिंदुओं के माध्यम से भारतीयों को या भारतीय नागरिकों को निकाला जाएगा, जो भी भारतीय नागरिक फंसे हुए हैं। तो इसी क्रम में मंत्रालय ने एक समर्पित ट्विटर हैंडल भी स्टार्ट किया, एक्टिवेट किया, ओपी गंगा। ध्यान रखेंगे, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। भारतीयों की निकासी के लिए भारत ने 26 फरवरी को ऑपरेशन गंगा के तहत फंसे हुए नागरिकों को निकालने के लिए, रूस ने यूक्रेन के खिलाफ अपना आक्रमण जब तेज कर दिया, तो 24 फरवरी से यूक्रेन के हवाई क्षेत्र को नागरिक विमानन संचालन के लिए बंद कर दिया गया। उस हालात में ये संचालन करना बहुत मुश्किल था यूक्रेन के लिए। तब जब ये बंद किया गया, तब जाकर भारत सरकार ने फंसे हुए नागरिकों को वापस लाने के लिए एयर इंडिया की जो है तीन विशेष उड़ानें भेजी गई या संचालित करने में कामयाब रही। और जो मौजूदा आपात की स्थिति है, इस आपात की स्थिति के बीच में भारत सरकार निकासी का खर्च वहन कर रही है। जो भी वाहन है विद्यार्थियों को या वहाँ के नागरिकों को भारत लाने का, वो सारा खर्च सरकार वहन कर रही है। जाहिर सी बात है कि हमारा ही आपका ये टैक्स होता है, लेकिन सरकार को हम लोग चुनते हैं, सरकार हम ही लोगों के वोट से बनता है, ताकि वो भारत में इस तरह की चीज़ों को या विदेशों में इन तरह की चीज़ों को मैनेज कर सके। अब हम आप तो मैनेज नहीं करते हैं, टैक्स देने जाते हैं तो हम आप मैनेज नहीं करेंगे, सरकारें ना मैनेज करेगी। ठीक है, तो आपको तो कम से कम जो फैक्टर कॉस्ट है उस समय तत्काल तो नहीं लग रहा, सरकार ही वहन करे, आपको तो किसी तरह सीमा पार करके हंगरी या पोलैंड जैसे देशों में पहुंच जाना है। ठीक है, अगर आप नेक्स्ट बिंदु पे चले, तो इसमें ये बिंदु का चर्चा इस विषय पे है कि भाई निकासी जो मार्ग है वो क्या होगा। तो यूक्रेन ने जारी तनाव, जो यूक्रेन में जो तनाव या रसिया और यूक्रेन के बीच में जो तनाव चल रहा है, उससे हवाई क्षेत्र जब यूक्रेन ने अपना बंद किया, तो भारतीय निकासी उड़ानें पड़ोसी देशों जैसे हंगरी, रोमानिया से संचालित हो रही हैं। आपको किसी भी कीमत पर हंगरी या रोमानिया आना होगा। तो हंगरी और रोमानिया, स्लोवाकिया और पोलैंड को जब आप पार, सीमा पार कर लेते हैं, तो वहाँ से आराम से भारतीयों को निकालने की तमाम मदद मिल सकती है। हमारे भारत सरकार के द्वारा वहाँ कई मंत्री भी पहुँचे हुए हैं अपने देश के,
जो किसी तरीके से भारतीयों को वहां से दूसरे देश जो भी सीमा यूक्रेन से लगा हुआ वहां वो पहुंच जाए और वहां पे तमाम व्यवस्था वहां के लोकल गवर्नमेंट के माध्यम से उनके लिए प्रोवाइड कर सके और आराम से भारतीयों को हम भारत तक रेस्क्यू कर सके, सुरक्षित उन्हें घर पहुंचा सके, इसके लिए निश्चित रूप से प्रबंधन सरकार के द्वारा चल रहा है। अब इसका जो निकासी का दरअसल जो मार्ग है, एक्चुअल जो मार्ग है, वो कौन कौन सा मार्ग है उसके लिए हम आपको मैप पे समझ लेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। मान लीजिए हम रोमानिया पोलैंड का नाम ले रहे हैं और आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कहीं कि ये कैसे चल रहा है, तो देख लेते हैं हम। अब देखिए, अब ये जो मैप है ये पूरा जो ये पर्पल कलर वाला जो एरिया दिखाई दे रहा है ये पूरा यूक्रेन है और यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा यूक्रेन से रूस का सीमा रेखा लगा हुआ है। आप समझिए इस चीज को कि ये पूरा पर्पल कलर वाला जो एरिया है ये पूरा यूक्रेन है और यूक्रेन से इधर पूरा रसिया का सीमा रेखा लगा हुआ है, इधर से तो आपको रेस्क्यू होगा नहीं। और ऊपर देखिए ये वाला एरिया बेलारूस का है और बेलारूस वाले जो बॉर्डर है वो भी काफी तनाव में है, ठीक है। ले देखिए जो आपका ये एरिया जो आपका बचा हुआ है ये ही एरिया जो है यहां से आप भारतीयों को रेस्क्यू कर सकते हैं, ठीक है। अब भारतीयों को करना क्या है कि यूक्रेन से किसी तरह इन बॉर्डरों पे आ जाना है। तो यहां तक जो देख रहे हैं ये बॉर्डर, ये इस एरिया में ये जो एरिया देख रहे हैं ये बॉर्डर जो है ये पोलैंड का बॉर्डर है और ये छोटा सा इतना जो देख रहे हैं ये आपका स्लोवाकिया का बॉर्डर है और ये हंगरी का इतना बॉर्डर है, हंगरी, ये रोमानिया का ये बॉर्डर है इतना दूर तक, और यहां देख रहे हैं मोल्डोवा, ठीक है। किसी तरीके से इन देशों के में भारतीय चलकर आ जाएं या वहां के लोकल किसी साधन के द्वारा इन देशों में आ जाए, खासकर पोलैंड हंगरी जैसे देशों में, तो वहां से उड़ाने भारत के द्वारा या भारत के द्वारा जो एयर इंडिया है या फिर जो भी डिफेंस की भी अगर एयर सर्विस है उसका भी प्रयोग करके भारतीयों को निकालने का प्रयास किया जा रहा है। सबसे बड़ा चुनौती भारतीयों के लिए ये है कि यूक्रेन से इन बॉर्डर तक कैसे पहुंचे। यहां तक पहुंचने में निश्चित रूप से भारतीय नागरिकों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सारा समस्या बॉर्डर तक पहुंचने का है, लेकिन बॉर्डर पार करने के बाद सुरक्षित बच्चे अपने घर पहुंच सकते हैं जिस तरीके से व्यवस्था किया गया है, ठीक है। तो ये आपका बॉर्डर लगा हुआ दिखाई दे रहा है और ये एरिया सब सनसेटिंग हो चुका है, इस एरिया से आप निकल नहीं सकते, समुद्री मार्ग इधर रसिया ही है, ऊपर बेलारूस है, तो यही कुछ एरिया है, खासकर ये एरिया काफी सुरक्षित है, ठीक है। तो ये आपका इन बिंदुओं से भारतीयों को निकालने का प्रयास किया जाएगा। आगे हम लोग बात करते हैं मूल बिंदुओं पे चलते हैं। तो ऑपरेशन गंगा ही ध्यान रखना है, लेकिन ऑपरेशन गंगा के अलावा भारत ने समय समय पे कुछ ऑपरेशन चलाते रहे हैं, जैसे ऑपरेशन गंगा पे अभी हमने चर्चा किया, फिर 2020 में भारत ने वंदे भारत चलाया था और वंदे भारत जो है वो कोरोना वायरस के कारण जो वैश्विक यात्रा पर प्रतिबंध होने से विदेश में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए वंदे भारत मिशन चलाया गया था, वंदे भारत मिशन। तो आप वंदे भारत भी देख सकते हैं 2020 के अंदर। तो समय समय भारत ने ऐसा ऑपरेशन चलाया है, हमेशा भारतीय विदेशों में फंसे भारतीयों के लिए इस संकट की घड़ी में हमेशा भारत सतर्क रहा है, खड़ा रहा है। उसके बाद 2020 में भी ऑपरेशन समुद्र सेतु चलाया गया था, जिसका समुद्र सेतु वो भी कोविड-19 के महामारी के दौरान जो भारतीय फंस गए थे तो उनको विदेश से घर वापस लाने के लिए जो राष्ट्रीय प्रयास किए गए थे वो एक तरह का नौसैनिक अभियान था जिसके माध्यम से भारतीयों को जल मार्ग से भारत रेस्क्यू किया गया था। आगे अगर हम कुछ और ऑपरेशन को देखें जो समय समय पे संकट की घड़ी में भारत चलाते रहे, जैसे ब्रसेल्स से निकासी 2016 में, उसके लिए भी वहाँ पे क्या हुआ था 2016 में कि बेल्जियम के जीवेंटेम में ब्रसेल्स हवाई अड्डे पर तथा मध्य ब्रसेल्स में मालबीक मेट्रो स्टेशन पर एक आतंकवादी हमले के चपेट आतंकवादी हमला हुआ था जिसमें कई भारतीय चपेट में आ गए थे और
इस संकट की घड़ी में भी भारत ने वहाँ से ब्रसेल्स से निकासी करने का एक महत्वपूर्ण योजना बनाया था। ऑपरेशन राहत भी देखेंगे, सुने भी होंगे, ठीक है। 2015 में यमन संकट के दौरान भारतीयों को सशस्त्र बल द्वारा वहाँ से रेस्क्यू किया गया। फिर आप ऑपरेशन मैत्री देख सकते हैं, जो वर्ष 2015 में नेपाल में जो भूकंप आया था उस समय वहाँ से भारतीयों को निकालने का प्रयास ऑपरेशन मैत्री के तहत किया गया था। ऑपरेशन सुरक्षित घर वापसी 2011 में चलाया गया था, जब लीबिया में गृह युद्ध में, जब वहाँ के गृह लीबियाई गृह युद्ध में जब भारतीय फंसे हुए थे, वहाँ से भी ऑपरेशन सुरक्षित घर वापसी के दौरान 2011 में भारत ने भारतीयों को वहाँ से रेस्क्यू किया था या वहाँ से सुरक्षित निकालने का कोशिश किया था। ऑपरेशन सुकून 2006 में इजराइल और लेबनान के बीच में जो सैन्य संघर्ष शुरू हुआ था उसमें भी कई भारतीय फंस गए थे और वहाँ से भी भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए ऑपरेशन सुकून चलाया गया था। कुवैत एयरलिफ्ट 1990 में जब कुवैत पर हमला किया इराकी सैनिकों ने, ठीक है, तो और वहाँ के जो विशिष्ट व्यक्ति से सब लोग अरब भाग गए थे, तो नागरिक जाए कहाँ। लगभग 170,000 से अधिक भारतीय नागरिक फंसे हुए थे, तो एयरलिफ्ट ऑपरेशन चलाकर वहाँ से भी भारतीयों को सुरक्षित निकालने का प्रयास किया गया। तो ये जो आज का ये इस वीडियो है, निश्चित रूप से ऑपरेशन गंगा पर केंद्रित था, लेकिन ऑपरेशन गंगा कोई भारत कोई नया ये खड़ा नहीं है। विदेशों में जब भारतीय संकट में फंस जाते हैं तो हमेशा से अपनी गवर्नमेंट खड़ी रहती है कि वहाँ की वहाँ पे जो भारतीय फंसे हुए हैं उनको बढ़िया से व्यवस्थित तरीके से भारत लाया जाए, इसके लिए कोशिश की जाती है। जाहिर सी बात है कि इस तरह की घटना जब भी भारतीय फंसेंगे विदेशों में, देश से काफ़ी दूर है, वहाँ से निकालना इतना आसान नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें टेक्निकल समस्याएं आती हैं, उसके बावजूद भी हम हमेशा से विदेशों में बसे भारतीयों के लिए, उनकी सुविधाओं के लिए खड़े रहे हैं और हमेशा समय समय पर भारत इस चीज़ का, इस नैतिकता का परिचय देता रहा है, ठीक है। और इसके लिए ऑपरेशन गंगा के तहत हमारे बच्चे भारत सुरक्षित आ रहे हैं, हमारे नागरिक भारत सुरक्षित आ रहे हैं। निश्चित रूप से ये एक महत्वपूर्ण ऑपरेशन है और इसके अलावा भी भारत जो पीछे अतीत में भी कुछ ऑपरेशन किए हुए थे उसके एवज में मैंने संक्षिप्त में जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दिया है। हो सकता है कि यहाँ से BPSC के अंदर प्रश्न हो या आने वाली आगामी जो भी परीक्षाएँ हों वहाँ यहाँ से प्रश्न रहे, ठीक है। आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।